नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आज के दिन में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हाँ, 14 नवंबर ही वो दिन है जिस दिन वो दोनों शादी कर रहे हैं। तो आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या रहेगा आगे चल कर के, इनकी आगे मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर देखिए बात करी जाए इन दोनों की कुंडली की, तो यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण की कुंडली है और रणवीर सिंह की कुंडली है, इन दोनों की कुंडली में राहु और जुपिटर के जो प्लेसिंग है वो दोनों का सेम है। दैट मीन्स राहु जो है दोनों की कुंडली में एरीज में बैठा हुआ है, दैट मीन्स मेष राशि में बैठा हुआ है, और जुपिटर यानी कि गुरु जो है दोनों की ही कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है। और दो ग्रह इनके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट्स में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स रणवीर सिंह की कुंडली में सन एंड मार्स, दैट मीन्स सूर्य और मंगल जो है दीपिका पादुकोण की कुंडली से बिल्कुल ऑपोजिट भाव में, मर्करी और वीनस के ऑपोजिट में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए इन दोनों के बीच का जो एक अट्रैक्शन बनता है, वही कारण रहा है इनके शादी होने का, वही इनको मैरिज तक लेकर के आया है, जो ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट है तो सही, लेकिन धीरे धीरे करके विद टाइम ये चीज़ें थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मैरिज लाइफ की जहाँ तक बात करी जाए, रणवीर सिंह की कुंडली में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। हालांकि अगर बात करी जाए और दीपिका पादुकोण की कुंडली की, तो इनकी कुंडली में जो जुपिटर है वो काफ़ी हद तक बेटर है रणवीर सिंह की कुंडली के हिसाब से। और अगर हम बात करें इनके लिए आगे चल के मैरिज लाइफ की, तो मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसे सेक्टर्स रहेंगे, चाहे वो इनका प्रोफेशनल करियर हो, चाहे वो इनके लिए आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों को आगे शुरुआत करना हो, यानी कि इनिशिएटिव्स लेना हो, ऐसी स्थितियों में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ऑन द पर्सनल फ्रंट, इनके आपस के रिलेशनशिप की बात करूँ, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग काफ़ी हद तक दिखेगा सभी लोगों को। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर बात करी जाए, क्योंकि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की कुंडली की, इनकी कुंडली कहीं ना कहीं पर इनके करियर को लेकर के, इनके प्रोफेशन को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही में दीपिका पादुकोण की कुंडली भी, क्योंकि इनकी कुंडली में जो सूर्य है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको मान सम्मान हमेशा दिलाएगा। वहीं आगे चल के भी एज अ रिलेशनशिप वाइज भी दोनों को एक दंपति के नज़रिए से भी मान सम्मान ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अगर 2020 की, तो 2020 में मुझे ऐसा लगता है एक छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके सामने ज़रूर आ सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट बन रहा है, यानी कि जो रणवीर सिंह का मार्स है यानी कि मंगल है, वो दीपिका पादुकोण की कुंडली में वीनस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इनके बीच में समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एंड आफ्टर मैरिज भी, बिकॉज सन टू सन भी ऑपोजिट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी एट टाइम्स आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन अट्रैक्शन वो चीज़ बरकरार रहेगी। तो अगर बात करी जाए एक लॉन्ग रन में हम देखें, तो 2020 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनके बीच में आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक इनके एक सोशल इमेज का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, वो इनको हर जगह से मिलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही की ही कुंडली जो है एक प्रोफेशनल अरेना में, दोनों की इंडिविजुअल कुंडली जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करी जाए तो इनका प्रोफेशनल करियर तो आगे बूम अप करेगा, लेकिन पर्सनल फ्रंट की जब हम बात करते हैं, दोनों की मैरिज लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए, तो बात हुई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कुंडली की, और हम आशा करते हैं कि दोनों का रिश्ता मजबूत हो इनके शादी के बंधन के साथ। इसी के साथ साथ तब मुझे दीजिए इजाज़त एस्ट्रो तक से जुड़ने का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक भी एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।